हेलो चिल्ड्रंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 22 नंबर से पिकॉक का चित्र बनाना सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको प्यारे बच्चों 22 नंबर से पिकॉक का चित्र बनाना आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, पिकॉक का चित्र बनाने से पहले आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको जो है पिकॉक की स्पेलिंग आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले आपको यहाँ पे इस तरह 22 लिखना होगा, 2 लिखिए, 1 और 2, दो बार आपको 2 लिखना होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे 0 लिखना होगा, एक 0 यहाँ लिखिएगा और एक 0 प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखिएगा। और प्यारे बच्चों, आप हमें जो है पिकॉक की स्पेलिंग के साथ साथ में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि हमने सर्किल कितने नंबर सर्किल ड्रॉ किया है। 1, 2 हो गया, इसके बाद आप काउंट करके हमें बताइएगा। यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, एक सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसी तरह आपको एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करना होगा और एक सर्किल यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। प्यारे बच्चों, एक सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 और 2 ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी आपको ऐसे 1 और 2 ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर यहाँ से इस लाइन से आपको एक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करना होगा प्यारे बच्चों, इसको और आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इसी तरह आप यहाँ पे ऐसे करिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आराम से बनाइएगा। यहाँ पे हो गया हमारा। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ से आप एक पॉइंट यहाँ 2 के ऊपर एक पॉइंट यहाँ पे लगाइए, फिर इसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पे लगाना होगा। पॉइंट लगाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से बहुत ही आराम से देखिए ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है और ऊपर ले जाइए और बस यहीं पे छोड़ दीजिएगा। फिर इसके बाद इसको हमें ऐसे सीधे नीचे की तरफ आना होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसे हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद आपको करना क्या है, 1, 2, 3 और 4 4 ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सर्किल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, इसके बाद एक यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे सर्किल ड्रॉ कर दीजिए प्यारे बच्चों। फिर इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे मिलाना होगा, इसी तरह आप इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लगाइए, इसको हमें ऐसे ले जाना है, फिर यहाँ पे ऐसे कर देना है प्यारे बच्चों, इसको और ऐसे कर दीजिए। फिर ये 3 के शेप में यहाँ पे ऐसे करिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी कर दीजिएगा। फिर यहाँ से इसको ऐसे बाहर की तरफ लाते हुए अंदर की तरफ ऐसे मिला देंगे। और जो सर्किल ड्रॉ किए हैं इसको जो है हाफ हाफ आप मार्कर की हेल्प से ब्लैक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो कलर भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करिए, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम बना देंगे पिकॉक की चोंच प्यारे बच्चों, ये हो गया, बहुत ही आसान तरीका है। अब इसके बाद यहाँ पे आई बना दीजिए। आई बनाने के बाद इस ब्रांच को हम थोड़ा सा और आगे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देंगे, ये आप बढ़ा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दीजिएगा, इसको हमें यहाँ से ऐसे डबल कर देना होगा। तो ये हमारा पिकॉक बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम पिकॉक को कलर भी कर देते हैं।